देखिए, मेरा नाम एडवोकेट इब्राहिम हरबट है। मैं अब्दुल वाहिद का लॉयर हूँ। अब्दुल वाहिद का मुझे फ़ोन आया कि सर, मेरे घर के सामने कुछ आर्म्स कुछ जो है हथियारबंद लोग खड़े हो गए हैं और मुझसे ज़बरदस्ती जो है अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने मेरे घर का जो है सीसीटीवी जो है कैमरा तोड़ दिया है और एक मेरे घर का ये पीछे वाला साइड का जो दरवाज़ा है वो तो तोड़ दिया है। मैं यहाँ पर पहुँचा तो कुछ लोग यहाँ पर पुलिस की वर्दी में खड़े हुए हैं और एक ऑफिसर, एक साहब हैं, वो अपने आप को NIA का ऑफिसर कह रहे हैं। मैंने कहा कि आपके पास कोई जो है सर्च एंड सीजर का वारंट है? तो कहा है। मैंने कहा आप दिखाइए। जब उन्होंने मुझे दिखाया तो जो है वो एक कोई फोटो कॉपी है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे व्हाट्सअप से आया है। मैंने कहा चले वो दिखा दीजिए। जब उन्होंने वो दिखाया तो ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि आपने जो है जो ऑफिसर को ऑथोराइज किया गया है ये किसने लिखा है? तो कहा मैंने खुद ही लिखा है। मैंने कहा जो घर आपको सीज करना है या सर्च करना है वो किसने लिखा? तो कहा वो भी मैंने लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी आपके सीनियर ऑफिसर ने अथॉरिटी दी है तो वो पूरा लेटर टाइप कर सकता है, लेकिन जो है कौन सा प्लेस सर्च करना है वो नहीं लिख सकता, किसको सर्च करना है वो नहीं लिख सकता। बाकी छोड़ के आप जो है ये कर रहे हैं, तो मैंने जो है जो लोकल फोर्स उनको दिया गया है उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आपने विदाउट किसी वेरीफाई किए हुए ऑफिसर को सिक्योरिटी दे दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, रिसेंटली कश्मीर में एक आदमी PMO के नाम पर घुस गया और कई दिनों तक जो है उसने जो है गवर्नमेंट जितनी भी ये थी वो उसको एंजॉय किया। बाद में जब गवर्नमेंट ने उसको, एक ऑफिसर ने PMO को जो है मेल किया, तब फैक्ट से पता चला कि कोई ऑफिसर ऐसे नाम का हमारे पास है ही नहीं। और ऐसी चीज़ें हमारे देश में बढ़ रही हैं। अब हम उनसे जो है लीगल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं। जो उनके पास डॉक्यूमेंट है, क्या मुझे बताइए कोई सर्च एंड सीजर का जो है वारंट जो है व्हाट्सएप पे देती है गवर्नमेंट? ऑफिसर कोई जो है सीनियर ऑफिसर व्हाट्सएप पे ऑफिसर को देता है, वो भी विदाउट नाम के, जिसका नाम सर्च करना है, जिसको सर्च करना है, जो प्लेस सर्च करना है, या फिर जिस अथॉरिटी को जो है वो अथोराइज कर रहे हैं वो जो है विदाउट उसके ब्लैंक आपको जो है सर्च ये कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है तो ये बहुत लीगल प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट कर सकता है और उनके सीनियर के लिए भी क्रिएट कर सकता है के जो है फॉर्मेट्स ऑफिस जूनियर ऑफिसर्स को दिए गए हैं और उनको आज़ादी दी गई है कि भाई आप जहां जब चाहें जो है जहां पे उत्पात मचाइए। ये जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मिसयूज है, ये UAPA का मिसयूज है। जो राइट्स एंड लिबर्टीज सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है सर्च एंड सीजर के, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि क्या जो है जो जूनियर ऑफिसर्स को ऐसे ही जो है ब्लैंक सर्च एंड सीजर के जो है फॉर्मेट दे दिए गए हैं कि आप पूरे देश में जाइए, जिसको जब सर्च एंड सीजर करना है करिए। अगर ये बात सही है, वो जो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे ब्लैंक भेज दिया और मैंने अपने आप को ऑथोराइज कर लिया और अब्दुल वाहिद का नाम भी डाल दिया और उसका एड्रेस भी डाल दिया कि मुझे ये सर्च एंड सीजर करना है, तो ये सीरियस मुद्दा है। वही हम उनको कंसर्न कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अंदर कुछ नहीं है सिवाय जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स के, हमें ये भी पता है। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि देश में जब संविधान है, एक लिबर्टी होनी चाहिए। क्या सिर्फ जो है किसी ऑफिसर का जब दिल चाहे वो किसी के भी घर में घुस सकता है? क्या देश में संविधान खत्म हो गया है? हमारा वही कंसर्न है, अदरवाइज कुछ नहीं। पीछे अब्दुल वाहिद बैठा है, वो यही कह रहा है कि मेरे लीगल राइट्स जो है, मैं लोगों को, दुनिया को बताता हूँ कि लीगल राइट के लिए लड़िए। अगर मैं अपने आप के लिए नहीं लड़ सका तो मैं दुनिया को क्या बताऊंगा? अब्दुल वाहिद का क्या कहना है? कभी ये टीम आई है, कब से ये? देखिए, सुबह जो है तकरीबन 4:30 से 5 बजे से जो है ये लोग उसको सता रहे हैं। वो जब से एक ही रिक्वेस्ट किए जा रहा है, उसने सोशल मीडिया पे भी डाला है कि आप मुझे अपना ID और लीगल सर्च वारंट दिखा दीजिए। वो उसको दिखाया नहीं गया है, इसलिए वो परेशान है। उसका कोई डिमांड नहीं है, वो पीछे बैठा है, वो कह रहा है मैं 1 सेकंड में जो है कुंडी खोल दूंगा, आप अंदर आ जाइए, पूरा घर सर्च कर लीजिए, चारों तरफ से घेर लिया है, ना वो भाग सकता है, ना कुछ डॉक्यूमेंट जो है फॉर्ज कर सकता है, ना कुछ छुपा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वो बस यही अपना लीगल राइट मांग रहा है वो, कि मैं दुनिया को सिखाता हूँ। उसका एक लीगल चैनल है, वो एक वकील है, उसने लॉ की डिग्री की है। वो बस चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मुझे अपना लीगल राइट दिखाइए। क्या उसको सर्च वारंट, आप मुझे बताइए, क्या सर्च वारंट देखने की उसको जो है राइट नहीं है? क्या जो ऑफिसर आया है उसका ID देखने की उसको राइट नहीं है? जिन जिन जो है लोकल ऑफिसर्स ने उसको ऑथराइज किया है, वो क्या ये नहीं बताएं कि भाई ये एक्चुअल में ऑफिसर है? हमको उस पर शक है। हम ये कह रहे हैं कि आपका वारंट गलत है, वारंट डुप्लीकेट हो सकता है ये, और उसके उस उसके ऊपर जो है कुछ भी, वो आप जानते हैं कि वो किस परिस्थितियों से गुजर कर आया है। कोर्ट ने ये कहा, माना है कि वो एक निर्दोष आदमी है, वो अब बाकी के निर्दोष लोगों के लिए जो है काम कर रहा है। हाई कोर्ट में जिन लोगों को फांसी की सजा हुई है 7/11 में, वो केस शुरू हो चुका है।
अब हम उसको ये लग रहा है कि उसको जो है इंटेंशनली, ताकि वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट उनको सप्लाई ना कर सके, ताकि वो कोई लीगल एड उन तक सप्लाई ना कर सके, इसके लिए उसको डिटेन करने की, या तो डिटेन करने की या उसको हरास करने की, इलीगली हरास करने की ये साजिश है, ये उसको लग रहा है। नहीं सर, सर किस केस में करना है वो भी वो नहीं बता रहे हैं। जी मेरा नाम एडवोकेट इब्राहिम हर्बर्ट है और मैं अब्दुल वाहिद का वकील। थैंक यू।